अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खावर हुसैन बलिया, मैं एज ए हेड नर्स COVID-19 इमरान अज़ीज़ टीचिंग हॉस्पिटल में एज ए हेड नर्स ड्यूटी कर रहा हूँ। हमारे पास कुछ दिन पहले फ़खर जमान साहब पेशेंट आए, इनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत थी, तो इनका रेस्पिरेशन रेट तकरीबन कोई 75 से अबव जा रहा था, तो हमने इनको वेंटिलेटर पे डाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 6-7 दिन के बाद वेंटिलेटर से आउट हो गए और ये बिल्कुल ठीक हैं अभी, और ये आज डिस्चार्ज होके अपनी फैमिली के पास वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान जमान है, मैं डस्का का रिहायशी हूँ। मैं तकरीबन आज से 9-10 दिन पहले इमरान अज़ीज़ टीचिंग हॉस्पिटल में आया था। मुझे COVID-19 था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी मेरी। मैं आते साल पहले 5-6 दिन वेंटिलेटर पर रहा हूँ। मेरी बहुत कंडीशन ख़राब थी, मुझे ब्रीथिंग में बहुत मसला हो रहा था। इधर का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, A to Z, नीचे से लेके ऊपर तक जितने लोग हैं सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे फैमिली की तरह ट्रीट किया, मेरे लिए नमाजें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की है मेरे पे, और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं जो हूँ डिस्चार्ज होकर घर जा रहा हूँ वापस। मेरा लोगों को यही पैगाम है कि बस आप COVID-19 को मजाक ना लें, घरों में रहें, दूसरों को भी ज़िंदगी बचाएं और अपनी ज़िंदगी भी बचाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरहान जमान का कज़न हूँ और मेरे साथ फरहान के वालद साहब हैं, जमान चीमा साहब। हमारे ना बेटे का मसला भी बन गया कि उनको COVID-19 जो है ना उसकी सिम्टम्स ज़ाहर हो गई, उसमें सांस की तकलीफ सीवियर थी, तो हमने अपने बेटे को मूव किया उधर एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ और ज़्यादा मसला हो गया। फिर हमें किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि आप इमरान अज़ीज़ हॉस्पिटल जाएं, वो अच्छा ट्रीट करेंगे, तो हमने उसमें ये किया कि हमने अपने कज़न को तशवीशनाक हालत में इधर शिफ्ट किया, तो वहाँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आते ही हमें ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर साहब ने शुरू किया, और लेकिन तकलीफ मजीद बढ़ती गई। हमारा बेटा जो है ना वो वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो गया, तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, बहुत सीवियर हो गया था, लेकिन अल्लाह का एहसान है और इमरान अज़ीज़ हॉस्पिटल की इंतजामिया, मैनेजमेंट और डॉक्टर्स जो कि हमारे सामने मसीहा है हमारे लिए, उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट और उनकी डेली बेस की जो ब्रीफिंग है कि करंट सिचुएशन क्या है, क्या सिनेरियो है, कितना कवर्ड हुआ है, तो वो सारा उन्हें हमें साथ साथ गाइड करते रहे, तो हम इनके जी बहुत ज्यादा मशकूर हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमारे बेटे को इस आजमाइश से, दुआओं की वजह से, दोस्तों की और पेरेंट्स की, अजीजों कारब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो हम रिकवर हो गया। अब हम उसके लिए आए हैं, तो बेटा हमारा यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हम लेकर जा रहे हैं, और हम इस उम्मीद से कि अल्लाह करे कि थोड़ा सा एहतियात करें सारे लोग। हम भी ये समझते थे कि ये सिचुएशन है COVID-19, ये बस ये एक मजाक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये रिस्क आ रहा है। खुदा रहा एहतियात करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें, और हम वंस अगेन जो है ना बहुत ज़्यादा मशकूर हैं इस इंतजामिया के, डॉक्टर्स के, जो हमारे लिए मसीहा साबित हुए हैं जी। हम इमरान अज़ीज़ टीचिंग हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। थैंक यू सो मच जी।